बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायका में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी घर में मैकरोनी बनाए, कभी भी रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर, खुशबू, टेस्ट नहीं आता। कौन सी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग घरों पे करते हैं और कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो आपकी मैकरोनी रेस्टोरेंट्स वाली मैकरोनी को पीछे छोड़ जाएगी। इंशाल्लाह सभी बातें डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मैकरोनी को बॉयल कैसे करना है। सही तरीका ये होता है कि पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा, ढेर सारा पानी लेना है आपने, उसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पे जो अहम बात जिसका आपने ध्यान रखना है कि मैकरोनी को आपने ओवर कुक नहीं करना। 2 कप यहाँ पे हम मैकरोनी के ले रहे हैं और इसको आपने एक दफ़ा मिक्स करके इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है, हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। और अहम बात यह कि ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल नरम नहीं आपने इसको कर देना, ठीक है। ढक्कन रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लेंगी ये और इतने में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगी। अब असल केमिस्ट्री शुरू होने लगी है, असल जो रेसिपी है वो शुरू होने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल के लेंगे। फ्लेम आपने कभी भी हाई नहीं करना, यहाँ पे लोएस्ट फ्लेम के ऊपर, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून टीस्पून मैं ले रहा हूँ लहसुन के, इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। सारा टेस्ट यहीं पे आपने डेवलप करना है, इसको जलाना नहीं है, गोल्डन नहीं करना, कलर नहीं चेंज होने देना, लेकिन थोड़ी सी फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। 1/2 टीस्पून यहीं पे जीरा ऐड कर देंगे और लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ठीक है। कलर नहीं आपने इसका चेंज होने देना। उसके बाद गाजरें हमारे पास 1 प्याली चॉप की हुई, इसको पकाएंगे हम 1 से 2 मिनट नॉर्मल से फ्लेम पे। और फिर है हमारे पास प्याज, कटिंग के ऊपर आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि कटिंग जो है इसी से आपकी महारत जो है वो नज़र आती है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी खुशबू बहुत ज़रूरी होती है। और 1 प्याली ही इसमें बंद गोभी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सब्जियाँ देख लें, कोशिश कीजिएगा सेम यही सब्जियाँ हो क्योंकि इनमें कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो इनका हलवा बना लेते हैं। बहुत कम पकाना, 1/2 टीस्पून नमक काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, सिर्फ ये अभी 2 मसाले जाएंगे, कुछ मसाले आगे जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपने इसको हल्का सा बस इन सब्जियों को सौते करना है, ठीक है। लहसुन का काम हम डन कर चुके थे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। अभी तक इसमें यही चीज़ें ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा वो क्या ऐड करनी है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, सब्जियाँ खड़ी खड़ी रखनी है, सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। अब ये बॉयल्ड मैकरोनी जो हमारे पास थी इसमें ऐड कर देते हैं, एक दफ़ा इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। याद रखिएगा, सब्जियों को आपने हलवा नहीं बनाना, ओवर कुक हरगिज़ नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर ये सारा काम आपने करना है, ठीक हो गया। चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसमें अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चीनी, 1 टीस्पून पीसी हुई या साबुत चीनी जैसी भी इसमें ऐड कर दें, चाइनीज़ रेसिपीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और 1 छोटी प्याली भर के, मतलब के 5 से 6 टेबलस्पून केचप के, किसी भी ब्रांड के या घर पर बना आप इसमें ऐड कर दें। अब आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी है और देखिएगा ये कितना खूबसूरत कलर इसका आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको मिक्सिंग के बाद हम निकाल लेते हैं फाइनल प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे व्यूअर्स, शानदार किस्म की वेजिटेबल मैकरोनी आपके लिए तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत सारी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए, केक की रेसिपी के लिए और लंच बॉक्स रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।